ये है सबसे छोटी वाली थार, ये इससे बड़ी थार है, ये इससे भी ज्यादा बड़ी है, ये इन सबकी डैडी है, इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है। अब इससे भी बड़ी थार देखो गाइस, ये हमारी रियल 4x4 ऑटोमेटिक थार। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट्स में बोला था कि एक रियल थार की आरसी थार के साथ कंपैरिजन करने के लिए और फाइट कराने के लिए, तो फाइनली गाइस हमारी थार आ चुकी है। तो वीडियो पे जरूर से लाइक कर देना और वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना, आज भाई एकदम खतरनाक वाला मजा आने वाला है आपको। तो दोस्तों सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं हमारी 50,000 वाली थार की 20 लाख वाले थार के साथ। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है, तो सामने से स्टार्ट करते हैं गाइस। ये देखो इसकी इतनी बड़ी बड़ी ग्रिल यहाँ पे दी गई है, इसके अंदर भी ग्रिल दी गई है। बोनट की बात करते हैं, इसका बोनट ओपन हो जाता है, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक्स बैटरी वगैरह आप देख सकते हो। तो अब इसका भी बोनट खोल के दिखाता हूँ मैं आपको, पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। ये इसको उठा रहा हूँ मैं, अरे बापरे, ये पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी इसके साथ। यहाँ पे देखो दोनों को मैंने साइड बाय साइड रख दिया है भाई। इसके अंदर दिया गया है पावरफुल 2 लीटर डीजल इंजन और हमारी आरसी थार के अंदर दिया गया है 550 इलेक्ट्रिक मोटर। तो बंद करते हैं इसको, इसको भी बंद करते हैं, डोर दिखा देता हूँ। ये डोर हो चुका है ओपन, इसका भी देखो गाइस, ये भी डोर इस तरीके से ओपन हो जाता है। यहाँ पे 2 सीट्स है, इसके अंदर भी सामने की तरफ 2 सीट्स है, पर इसके अंदर एक छोटा सा चेंज मेरे को नजर आ रहा है। इसके अंदर स्टीयरिंग दी गई है लेफ्ट साइड में, पर हमारी रियल थार के अंदर स्टीयरिंग दी गई है राइट साइड में। तो इसको बंद करते हैं और इसको भी बंद करते हैं, इसका भी ओपन नहीं होता है और इसका भी पीछे वाला ग्लास बिल्कुल भी ओपन नहीं होता है। अब पीछे आ जाओ गाइस, पीछे से देखो यार, पहले इसको खोलते हैं, ओपन हो चुका है, ये इधर से ओपन हो चुका है। इसकी डिक्की के अंदर स्पेस देखो भाई, बिल्कुल भी नहीं है, इसका बूट स्पेस भी काफी ज्यादा छोटा है। ये इस तरीके से ओपन हो जाता है और ये भी इस तरीके से ओपन हो जाता है भाई, बिल्कुल सेम टू सेम है दोनों ही कार्स। इसको इस तरीके से बंद करना पड़ता है, ये देखो इसको भी सेम है, पहले ये बंद करेंगे फिर ये डोर बंद करेंगे। टेल लाइट भी बिल्कुल सेम टू सेम दी गई है, फुटरेस्ट यहाँ पे भी दिया गया है और यहाँ पे तो देखो एकदम मजबूत वाला फुटरेस्ट आपको नजर आ जाएगा। सामने के टायर भी दिखा देता हूँ, ये इसके सामने वाले टायर्स हैं भाई, काफी फ्लफी टायर्स इसके अंदर दिए जाते हैं ताकि ऑफ रोडिंग कर सके। इसके टायर्स देखो, ओ भाई काफी ज्यादा हार्ड है यार ये। इसके अंदर हर एक छोटी सी छोटी चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। ये इसके हिंजेस है, मेटल के बने हुए हैं, और इधर आ जाओ, ये इसके हिंजेस बिल्कुल सेम टू सेम दिए गए हैं। ये आ चुका हूं मैं अंदर, स्टीयरिंग भी दिखा देता हूं, ये इसकी स्टीयरिंग है और इसकी स्टीयरिंग बिल्कुल सेम टू सेम दी गई है। यहाँ पे इंफोटेनमेंट है, इसके अंदर भी आपको इंफोटेनमेंट नजर आ जाएगा। यहाँ पे गियर लीवर है और ये 4x4 का गियर है, यहाँ पे ये मेन गियर है, ये 4x4 का गियर है। ऑलमोस्ट हमारी आरसी थार रियल थार की कॉपी है, ये थार भी ऑलमोस्ट रियल थार जैसी दिखाई देती है। बाकी ये जो आरसी थार से हमारी रियल थार के टायर से भी काफी ज्यादा छोटी दी गई है। तो चलो अब ये थार को चला के भी दिखा देता हूँ। पहली बार आरसी थार के साथ हमारी रियल थार भी यहाँ पे चल रही है। रियल थार के सामने ये कार तो बहुत ज्यादा पिद्दी सी मेरे को नजर आ रही थी। अब एक काम करते हैं, ऑफ रोडिंग कराते हैं गाइस। यहाँ पे एक 70 डिग्री की क्लाइंबिंग है, यहाँ पे मिट्टी काफी ज्यादा लूज है, तो सबसे पहले ये थार को ऊपर चढ़ाने के लिए ट्राई करते हैं। कार पूरी ट्राई कर रही है, वापस से मैंने इसको पीछे ले लिया है, एक और बार ट्राई करते हैं। अभी 4x4 इसका एक्टिवेट हो चुका है। ओ तेरी भाई, देखो क्या ये आराम से चढ़ रही है, टॉप तक ये पहुंच चुकी है। यहाँ पे ये आगे नहीं बढ़ पा रही है गाइस। ओ नहीं 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 नहीं, अरे तेरी भाई साहब, ये तो पलट के नीचे आ गई यार बैलेंस खराब होने के कारण। ये वाली थार को चला के देखते हैं, ये जितनी भी थार है सभी की सभी 4x4 है, ये इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही है गाइस। इसको यहाँ पे ग्रिप नहीं मिल पाने के कारण ये ऊपर नहीं चढ़ पा रही है। वैसे तो मेरे पास और भी बहुत सारी आरसी थार है, उनमें से ये एक थार है, इसके अंदर 5 डोर्स लगे हैं। ये कार के टायर को भी प्रॉपर तरीके से ग्रिप नहीं मिल पा रही थी, मैंने पूरा ट्राई करके देखा है, ये 50
50% चढ़ाई तो कर चुकी थी, उसके बाद में भी ये काफी आराम से ऊपर जा रही थी। फिर अचानक से यार इसकी बैलेंसिंग बहुत ज्यादा खराब होने के कारण सैडली ये कार भी पलट के नीचे आ गई थी। ऑलराइट दोस्तों, अब रियल थार को ऊपर चढ़ाते हैं, देखते हैं ये ऊपर चढ़ पाएगी या फिर नहीं। अभी इसका 4x4 एक्टिवेट हो चुका है। ओ माय गॉड, ये इतनी ज्यादा भारी भरकम है, फिर भी देखो कितना स्मूथली यहाँ तक ये चढ़ाई कर चुकी है। एक बार इसका एंगल देखो, 70 डिग्री के एंगल पे ये खड़ी हुई है। इतनी भारी भरकम कार इतनी आसानी से चढ़ेगी, भाई मेरे को पता नहीं था यार। इसको चला रहा था मेरा भाई, इसने तो यार आज काफी ज्यादा एंजॉय कर लिया। इसको वापस से नीचे उतार लेते हैं और ये काफी स्मूथली नीचे उतर के आ चुकी है। आज ये जीत चुकी है। दूसरे नंबर पर आई है हमारी रेड कलर वाली थार। तो गाइस अब एक काम करते हैं, मेरे पास जो आरसी थार है इसको मैंने बांध दिया है रियल थार से। देखते हैं गाइस क्या ये आरसी थार हमारी रियल थार को खींच के लेके जा पाएगी या फिर नहीं। ये चाबी निकाल लेते हैं। ओके अब एक काम करते हैं, इसको न्यूट्रल में कर देते हैं। हैंड ब्रेक भी मैंने हटा दिया है। तो अभी सीधा आते हैं बाहर, इसको बंद करते हैं। अभी देखो गाइस ट्राई करते हैं क्या इसको ये खींच पाएगी या फिर नहीं। ओके एकदम झटके से इसको निकालूंगा मैं। वो भाई टायर कितनी तेजी से घूम रहे हैं, पर ये बिल्कुल भी अपनी थार को खिसका भी नहीं पा रही है अपनी जगह से। तो अब सामने एक छोटी सी थार को भी मैंने बांध दिया है, देखते हैं ये दोनों मिलकर अपनी रियल थार को खींच पाएंगे या फिर नहीं। 1 2 3 स्टार्ट। वो भाई दोनों मिलकर भी देखो अपनी रियल थार को अपनी जगह से हिला भी नहीं पा रहे हैं गाइस। ओ माय गॉड। तो गाइस अब एक काम करते हैं, मैं आज XRT भी लेके आया हूँ, देखते हैं क्या XRT अपनी थार को अपनी जगह से हिला पाएगी या फिर नहीं। तो अब थार के सामने मैंने बांध दिया है XRT को, देखते हैं गाइस XRT खींच पाएगी या फिर नहीं। वो देखो, ओ भाई ये तो अनकंट्रोल हो रही है यार। अरे भाई इसके टायर्स तो घिसने लगे हैं यहाँ पे। ओ भाई, ओ हो एक बार इधर देख लो यार, XRT ने थोड़ा सा खिसकाया है थार को और ये चलने लगी है भाई। ओ माय गॉड, XRT काफी बाप रे क्या ही खतरनाक चीज हो रही है इसके साथ आज। ये XRT के अंदर इतनी पावर नहीं है कि ये थार को सामने खींच सके। इसने स्टार्टिंग में जस्ट थोड़ा सा ही खींचा है अपनी थार को, उसके बाद ये नहीं खींच पा रही है गाइस। मैं काम करूंगा, तो मेरे पास एक नई XCR प्रो कार आ चुकी है, वो कार को इसके साथ बांध कर खींचने के लिए देखेंगे, उसका वीडियो कल आएगा गाइस। और आज ये कार को मैंने रोड के ऊपर चलाते वक्त एक चीज नोटिस की है, वो है इसका टोरा। भाई इसकी जो रोड प्रेजेंस है ना वो काफी ज्यादा खतरनाक है। जब मैं इग्निस चलाता हूँ हॉर्न मारने में भी लोग जो है साइड नहीं देते हैं, पर ये कार के अंदर एक चीज है यार, वो है इसका लुक। भाई ये इतनी बड़ी नजर आती है रोड के ऊपर, क्या ही बताऊं, लोग खुद ब खुद साइड देने लगते हैं इसको देखते ही। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये बंदा इतनी दूर हट गया था यार जब मैं थार यहाँ से लेके जा रहा था। ऑफ रोडिंग तो भाई यार नेक्स्ट लेवल की कर सकती है। ओ माय गॉड भाई, मेरे को तो नेक्स्ट लेवल मजा आया थार चला के आज। और ये आरसी थार को आप बिल्कुल भी कम मत समझना, इसके बराबर वाली कार के साथ जब आप इसकी फाइट कराते हो ना तो ये किसी को भी नहीं छोड़ती है। जैसे कि ये एक जीप रूबीकॉन है, इसका प्राइस है 80,000 रुपीज और थार का प्राइस है 50,000 रुपीज। इसने तो यार इसको पुश बैग में लिटरली उठा के फेंक दिया था। इसके साथ मैंने इसकी टको फॉर भी कराई थी एक बार, यहाँ पे भी इसने काफी आसानी से 80,000 वाली जीप रूबीकॉन को भी हरा के फेंक दिया था। ये होती है असली 4x4 थार की पावर। थार थार है, थार के सामने सभी बेकार है। ये आरसी थार का एक और कमाल का फीचर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसके ऊपर की जो छत है हम लोग कम्प्लीटली निकाल भी सकते हैं, जैसे कि रियल थार के अंदर भी निकाल सकते हैं, इसके अंदर भी वो सिस्टम दिया गया है। साथ में इसकी स्टीयरिंग बिल्कुल रियल कार जैसी ही दी गई है और इसके अंदर पावर तो इतनी ज़्यादा है कि ये एक इंसान के वेट को भी खींच सकती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैं स्केटबोर्ड के ऊपर बैठा हूँ, ये कार इतनी पावरफुल है कि भाई मेरे को ही खींच के लेके जा रही है।
और ऑफ रोडिंग की बात करूं तो भाई एकदम मक्खन की तरह चलती है। आप इसको कीचड़ में चला लो या फिर पानी में भी चला लो, देखो इतना ज़्यादा पानी है, ये एकदम मस्त तरीके से चल रही है। यहाँ पे मैंने जिमनी को भी इसके साथ चलाया था, पर ये कार जिमनी को भी पीछे छोड़ चुकी थी पानी में चलने के मामले में। इसके सामने तो इतना बड़ा एक पत्थर भी आ चुका था, मेरे को लगा था कि यहाँ पर आकर ये रुक जाएगी, पर इसने तो यार पत्थर के ऊपर से भी काफी इजीली चढ़ाई कर दी थी। जिमनी को भी मैंने यहाँ से चढ़ाने की कोशिश की थी, पर जिमनी की ग्राउंड क्लियरेंस इससे थोड़ी सी कम है और इसके टायर्स भी थोड़े से पतले हैं थार के मुकाबले में, तो इधर आकर ये कम्प्लीटली स्ट्रक हो गई थी। ओके दोस्तों, मेरे पास एक नई XCR कार भी आ चुकी है, उसका प्राइस है 1.5 लाख रुपीज। नेक्स्ट वाली वीडियो में उसके साथ फुल टेस्ट करेंगे, देखते हैं क्या वो रियल थार को खींच पाएगी या फिर नहीं। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ यार, आपको क्या लगता है कौन सी कार थार को खींच पाएगी। वैसे आज मैं देने वाला हूं 10 लोगों को शाउट आउट। पहला नाम है रमेश, प्रथमेश, अभिमन्यु, राजीव, वीरेश, अलामीन, अफान, प्रभात, ऋषभ, प्रीतम। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। आई दोस्तों।